5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर। हम सेलर्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम फ्लिपकार्ट के ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं, बट मोस्टली उसमें ज़्यादातर रिटर्न आ जाते हैं। जैसे 100 हमने ऑर्डर प्रोसेस करें तो उसमें से हमें लगभग 30 कोरियर रिटर्न, 25 कोरियर रिटर्न, इस तरीके से हमें ऑर्डर रिटर्न आ जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? होता यह है कि जब कोई कस्टमर अपना पिन कोड डालता है, जैसे मान लीजिए मैं अपने शहर में हूँ और मेरे ही शहर में एक पिन कोड चलता है ABC123 इस तरीके से। अब वही पिन कोड जो मेरे इंटीरियर में है, यानी कि आसपास का 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जहाँ पे सर्विस नहीं है, उनका भी सेम पिन कोड रहता है। जैसे ही वो पिन कोड एंटर करते हैं तो वहाँ पे सर्विसेबल दिखाता है, यानी कि वहाँ पे सर्विस दिखाता है फ्लिपकार्ट की कि यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा। कस्टमर ऑर्डर करता है, बट जैसे ही कुरियर के पास आता है तो कुरियर का 5 किलोमीटर का होता है और वो 10 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पे वो ऑर्डर डिलीवर कराने नहीं जाते हैं। कस्टमर से कहते हैं कि वहाँ आ जाइए, तो कुछ अमाउंट का पार्सल, जैसे 500 रुपये या 600 रुपये का पार्सल, कोई कस्टमर इतनी दूर लेने नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें जो है कुरियर रिटर्न आता है। तो यही चीज़ों को देखते हुए अमेज़ॉन का आपको पता होगा कि उन्होंने पिकअप पॉइंट बनाया है। होता ये था, प्रॉब्लम होती थी। अब जो जिसके साथ प्रॉब्लम होती है वो ही आपको सॉल्यूशन बेटर बता सकता है किसी भी चीज़ का। सपोज़ कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो ऑफिस गया, घर बंद है उसका, तो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता था। कस्टमर को वो नीड है, वो प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पे डिलीवरी भी है सारा, मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। कस्टमर घर पे एड्रेस कर रहा है और वो ऑफिस चला जा रहा है। अब वो जब ऑफिस से आ रहा है तब कुरियर वालों की छुट्टी हो जा रही है, यानी कि वो उनका ऑफिस टाइम क्लोज हो जा रहा है रात के 11 बजे 12 बजे, तो डिलीवरी नहीं हो पा रही है इस वजह से। तो अमेज़ॉन ने इसको देखते हुए अपना सिस्टम को अपग्रेड करा और एक डिलीवरी पॉइंट्स बनाए। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे आप डिलीवरी ले सकते हैं। आप ऑफिस के टाइम पे आ रहे हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो आप वहाँ से पिकअप पॉइंट है वहाँ से अपना पार्सल रखवा सकते हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसी तरीके से और जगह भी करें, कुछ मेट्रो स्टेशन हैं, कुछ जो है आपका कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे अमेज़ॉन आपका पिकअप जो है आप ले सकते हैं, अगर आपने कोई ऑर्डर कराया और आपका घर बंद है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आ रहा है और बहुत इजीली उसको जो है पैकेट डिलीवर्ड हो जा रहा है। कोई चांस नहीं है कि कुछ रॉन्ग डिलीवरी हो, क्योंकि जो पैकेट आप लेने आएंगे वो OTP जनरेट होगा। जैसे पिकअप सर्विस है यहाँ पे, पिकअप आप ले सकते हैं अपना, जो भी पिक पॉइंट है वहाँ पे गए आप, आपने ऑर्डर बताया कि ये ऑर्डर आईडी है, तो OTP जनरेट होता है, वो OTP शो करना पड़ेगा आपको, आप पैकेट ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे मार्केट प्लेस ला रहा है, और जो डिलीवरी है वो 100% कराने की कोशिश, 100% तो खैर नहीं हो सकती है, लेकिन ये है कि जो भी उनका रेशियो है उसके हिसाब से वो कराने की कोशिश कर रहे हैं।